ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दिल्ली सरकार की तरफ से न्यू लिंक जनरेट कर दिया गया है, और बैच होल्डर है या फिर परमिट होल्डर है तो आप लोग वहां से बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे चुका हूँ, सिंपल लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यदि आप बैच होल्डर है तो बैच होल्डर पर क्लिक करना है, यदि आप परमिट होल्डर है तो परमिट होल्डर पर क्लिक करना है। बैच होल्डर पर क्लिक करता हूँ। बैच होल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्राइवरी लाइसेंस नंबर और बैच नंबर फिल करना है। बैच नंबर फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके पास अवेलेबल है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद फिर से आपको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे। OTP फिर से आपको फिल करना है और फिर से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक फॉर्म कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे डिटेल आपका ऑलरेडी पहले से ही फिल है, तो इसे आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक डिटेल, IFSC कोड, आधार नंबर, मेल फीमेल, इसके बाद कैंसिल चेक, ये सब सारा डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है। फिल करने के बाद फिर से आपको सबमिट करना है। आधार कार्ड जब आप अपलोड करेंगे तो एक बात को ध्यान रखना है, आपको दोनों साइड का कुछ इस तरह से अपलोड करना है। तो इस तरह का आपको फोटो एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे बताता हूँ इस तरह से आप फोटो को ज्वाइन किस प्रकार कर सकते हैं। फाइनली आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। आपको फोटो को ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, PixArt। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो सिंपल इसे क्लिक करना है। प्ले स्टोर से बिल्कुल आसानी से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके सामने जब ओपन होंगे तो कुछ इस टाइप इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको गैलरी पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पे क्लिक, तो यहाँ पर आप लोग को वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल नीचे एक तरफ कर देखना है और यहाँ पे आपको ऐप फोटो का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप लोग पहले करना क्या है, वो फोटो क्लिक कर लेना है अपने मोबाइल के कैमरा से ही फ्रंट साइड का, यानी कि एक फ्रंट का एक बैक के फ़ोटो खींच लेना है। फोटो खींचने के बाद सिंपल नीचे हम बैक कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको एडिट करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले फ्रंट वाले फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैं सबसे पहले आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा भी आपको सेलेक्ट हो जाएगा, तो क्रॉप पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है, तो मैं फटाफट क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह से हल्का जूम कर साइड में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से पेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ से डन करना है। तो इसके बाद फिर से फोटो पर फिर से आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से हम सेकेंड फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं, जो कि मैंने बैक साइड से फ़ोटो को मैंने क्लिक किया था, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक कर चुका था। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हम यहाँ पे क्रॉप पे आते हैं, और फिर से हमें यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। चारों साइड से मैं क्रॉप कर लेता, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है कुछ इस तरह से। तो फोटो आप क्लिक करेंगे तो सीधा फोटो क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा हल्का तिरछा फोटो को क्लिक किया गया है। इसके बाद कुछ इस तरह से हल्का जूम करेंगे, एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर देख लेंगे साइड इक्वल तो है नहीं, इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आप हल्का भरगा ऐसे करके कुछ करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम साइड में रखेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद हम डन करेंगे, सिंपल फिर से हमें यहाँ टूल्स पे आना है। इसके बाद क्रॉप पे आ जाना है। क्रॉप पे आने के बाद इसे हमें कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्रॉप कर लिया। इसके बाद फिर से डन करेंगे। इसके बाद हम नीचे की तरफ आना है, ड्रॉ पे क्लिक करना है, ड्रॉ पे फिर क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेव इमेज पे क्लिक करना है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।